और अब देखिए कैसे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हर तरफ पानी ही पानी है। एक मिनट में देखिए एक एक राज्य की फ्लड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर विदर्भ इलाके पर हुआ है। तस्वीर नागपुर की है, जहां एक नाले का उफान इतना था कि पुल और नाले के पानी का फर्क खत्म हो गया। ऐसे में एक स्कॉर्पियो चालक इतना कंफ्यूज हो गया कि पुल पार करने के बजाय उसकी एसयूवी सैलाब में उतर गई। देखते देखते भारी भरकम एसयूवी पानी के बहाव की तरफ बहने लगी। जिस वक्त स्कॉर्पियो नाले के बहाव में डूबी, तब इसमें 6 यात्री सवार थे। आसपास ग्रामीणों की भीड़ लग गई। तेज बहाव के चलते किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कार में सवार लोगों के लिए जोखिम ले सके। इस कार में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों ने सैलाब के बीच कार से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती काफी देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के नासिक के सापुतारा हिल पर कहर बरपा दिया। पानी का बहाव बढ़ने से पहाड़ पर खड़े पेड़ों ने मिट्टी का साथ छोड़ा और हिल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि हाईवे पर पहाड़ टूट कर गिरने के बावजूद हादसे में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, ये वही सापुतारा हिल है जिसका एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आ गिरा। जिसकी वजह से आवागमन रुक चुका था। हाईवे पर जिस जगह मलबा गिरा, उसके दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी। घटना के बाद से अब तक रास्ता पूरी तरह बंद है और बंद रास्ते के बाद दोनों तरफ से अब सफर करने वालों की लंबी कतार लग गई है। आम तो आम खास लोग भी बाढ़ से आहत हैं। तस्वीरें भोपाल से हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले में अचानक नाले का पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरा का पूरा नाला सिंधिया के बंगले की तरफ मुड़ गया। बंगले में एंट्री करते पानी का बहाव देखिए। और ये तस्वीर सिंधिया के बंगले के अंदर की है, जहां सैलाब ने लाखों का नुकसान कर दिया। निचली मंजिल का कीमती वुडन फ्लोर पानी के भराव के बाद बेकार हो गया। बंगले के कर्मचारी लगातार पानी निकालने में जुटे हैं, जिससे नुकसान कम से कम। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी बंगले का मुआयना किया, नुकसान का जायजा लिया। श्यामला हिल्स पर बने इस बंगले में सिंधिया ने 1 महीने पहले ही परिवार के साथ गृह प्रवेश किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मानसून की बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। हाल ही में बने इस पुल के 2 टुकड़े हो गए। बरगी को देवद्वार से जोड़ने वाला पुल बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। ये पुल हाल ही में एक नाले के ऊपर बना था। पुल के टूटने से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का तो सामना करना पड़ ही रहा है। बरगी से देवद्वार जाने वाले लोगों का सफर अब और लंबा हो गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने टूटते पुल के वीडियो बनाए और वायरल कर दिए। प्रशासन ने भी आनन फानन में एक्शन लेते हुए पुल को सील कर दिया। पुल पर आवाजाही को रोक दिया गया। मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आशंका यह है कि पुल कभी भी किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी नदियों में आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के बाद सीप नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। उफान पर आई नदी की वजह से देखते ही देखते 15 जानों पर खतरा बनाया। दरअसल यहां कुछ मजदूर स्टॉप डैम निर्माण के काम में लगे थे, उन्हें पता भी नहीं चला और अचानक पानी बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो बाढ़ से घिर गए, लेकिन तुरंत ही नदी में मजदूरों के फंसने की खबर राहत और बचाव दल को मिल गई।
जिसके बाद ऑपरेशन चला और 15 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि सीप नदी की बाढ़ का पानी शहर के अंदर भी पहुंच चुका है। गुजरात में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। ये वलसाड की तस्वीर है, उस इलाके की जहां सड़कें जलमग्न हैं, जहां खेत और दूसरे इलाके बारिश की वजह से पानी में डूब गए। यहां करीब 9 इंच की बारिश दर्ज हुई थी और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। नतीजतन पूरे वलसाड में सिर्फ पानी नजर आने लगा, घरों की एक मंजिल पानी में डूब गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का हालांकि रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने घर के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर जान बचाई। इस वक्त भी प्रशासन रेस्क्यू के लिहाज से ड्रोन के जरिए बाढ़ प्रभावित वलसाड की निगरानी कर रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे पर ऐसा कटाव शुरू किया कि किनारे पर बना सब कुछ बाढ़ का पानी लीलने लगा। तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर की है, जहां पिछले 5 दिनों से जारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है और इस उफान की जद में आ गया एक मंदिर। नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से हुए कटान में संखेड़ा अर्जुननाथ महादेव मंदिर का एक हिस्सा भरभरा कर पानी में जा गिरा। दावे के तहत पिछले 12 घंटे में छोटा उदयपुर में 433 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है और यही पानी अब शहर के हालात बिगाड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद कांकेर में मेंढकी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उफान पर आई नदी की धारा में एक शख्स फंस गया। दरअसल ये शख्स नदी में मछली पकड़ने आया था, लेकिन पानी इतनी तेजी से आया कि वो उसमें बह गया। गनीमत ये रही कि बहते हुए उसे पुल के नीचे फंसे एक टूटे पेड़ का सहारा मिल गया। स्थानीय लोगों ने बीएसएफ कंपोजिट ऑपरेटिंग बेस में जवानों से मदद मांगी। 15 जवानों की टीम मौके पर पहुंची और उनमें से एक ने नदी में छलांग लगा दी और रस्सी के सहारे नदी के उफान में फंसे शख्स को ऊपर खींच लिया गया। तस्वीर बाबा बर्फानी के दरबार के रास्ते से, जहां तेज बारिश के चलते एक पहाड़ी से अचानक तेज झरना बहने लगा। श्रद्धालु उस वक्त केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक ऊपर से तेज धार में झरना गिरने लगा। आपदा के बाद कैमरे में कैद झरने का ये दृश्य बेहद डराने वाला है, लेकिन बाबा के भक्त बेझिझक झरने को पार करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा के भक्त कुछ पल के लिए रुके, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखिए कैसे एक एक करके केदार बाबा के भक्त झरने को पार कर रहे हैं। हालांकि इस तरह का जोखिम जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जिस झरने को श्रद्धालु पार कर रहे हैं उसके ठीक नीचे पुल है और इसी पुल के नीचे से झरना बहता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से झरना ओवरफ्लो हुआ और पुल के ऊपर आ गया। ओडिशा के बहरामपुर में बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब है। हर तरफ पानी ही पानी है, रास्ते सड़कें सैलाब में डूब गई हैं। हर तरफ पानी के सिवाय कुछ और नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हो रही है। तस्वीरों में देखिए बच्चे किस तरह रस्सी पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं।
बच्चे घर से यूनिफॉर्म में आते हैं, नदी के किनारे पर कपड़े चेंज करते हैं और फिर नदी में उतरते हैं। कुछ स्थानीय लोग वहां नदी पार करने में उनकी मदद करते हैं और नदी पार करने के बाद बच्चे फिर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। जिस रास्ते से बच्चे कल तक पैदल जाया करते थे, आज वहां उन्हें रस्सी के सहारे एक उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है। बच्चे आजकल अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा पा रहे हैं।